being with us over here. ये कुर्सी यहाँ रख दीजिए, मैं यहाँ बैठ के बोल सकता हूँ? बिल्कुल सर, थैंक यू, थैंक यू, प्लेजर, थैंक यू. आई थिंक इफ इट इज इन द मिडिल देन इट वुड बी बेटर. व्हाई डोंट वी रिमूव दिस? यू डोंट वांट टू? हे, लेट्स, आई विल स्टैंड इन. ओके, सो माइक भी रेड है आपका, समझो. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी. मुझे इस प्रोफेशन में मेरे ख्याल 22 साल हो चुके हैं, और 22 साल में एक जो अच्छा अनुभव मिला है वो है अलग अलग न्यूज़ रूम्स में काम करने का. एक अखबार में भी काम किया, न्यूज़ एजेंसी में भी काम किया, उसके बाद अलग अलग टेलीविज़न चैनल्स में अलग अलग भूमिकाओं में, रिपोर्टर, ब्यूरो चीफ, उसके बाद एंकर, उसके बाद फिर आउटपुट चैनल हेड करने का एक मौका, और अब ये सारा एक्सपीरियंस लेकर के और अपने कुछ सहयोगियों के साथ एक न्यूज़ मीडिया स्टार्टअप शुरू करने का. और मेरा आज जो पूरा ध्येय होगा अगले 10 मिनट में, वो सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि अब हम लोगों को या किसी को भी एक बड़े मीडिया संगठन की जरूरत नहीं है. देर इज अ मैसिव लिबरलाइजेशन व्हेन इट कम्स टू न्यूज मीडिया. हम लोग ट्रूली, और आप यकीन नहीं मानेंगे अगर मैं इस शब्द का प्रयोग करूं, पत्रकारों के लिए ये एक स्वर्णिम काल है. हम लोगों के लिए इससे ज्यादा पॉजिटिव समय और कुछ नहीं हो सकता है. और अब मैं अगले कुछ मिनट जो हैं वो उसी पर फोकस करने के लिए करूंगा. देखिए, इतने सालों का जो अलग अलग न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस का जो तजुर्बा रहा, वो तजुर्बा कुछ इस तरीके का था कि हर जगह अलग लोगों से उनके विचार जाने, उनके बायसेस भी जाने. बायस होना कोई बुरी बात नहीं है. अगर आपको कोई भी आ जाकर के ये बोले कि आप अनबायस्ड हो जाइए, बायस मत होइए, तो देखिए सीधी सी बात है, एनी वन हु इज सेइंग दैट He is truly neutral, या वो बिल्कुल unbiased हैं, वो झूठ बोल रहे हैं. वो इसलिए झूठ बोल रहे हैं because there is only one condition in which you will be truly neutral and biased. क्या कोई guess करना चाहेगा वो क्या condition है? Anyone? हम कब पूरी तरीके से neutral हो जाते हैं? Thank you very much. जिस दिन हम मर जाते हैं, जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप truly unbiased हो जाएंगे. और जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप बायस रहेंगे. हाँ, बस आपकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि आपका जो बायस है या ओपिनियन है, दैट शुड बी बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट फैक्ट्स. प्रॉब्लम ये हो गई थी इन सारे न्यूज रूम्स में दैट द ओपिनियन बिकेम एब्सोल्यूट, और फिर आप रेट्रोफिट करते थे उन फैक्ट्स को. मैंने पहले ही मान लिया है कि ये मेरा सच है, और अब मैं जा रहा हूं खोजने कि इसमें तथ्य कहां है, मेरे ओपिनियन को जस्टिफाई करने वाले तथ्य कहां है. तो जब ये सारी चीजें न्यूज रूम्स में होने लगी, और इसको मैं गलत नहीं मानता, जिसका जैसा ईमान, जो जिस तरीके से करना चाहता है, देयर विल बी एन ऑडियंस फॉर एवरीथिंग. ये इसलिए हुआ क्योंकि पूरी तरीके से न्यूज मीडियम जो है वो ऑपरेट करता है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकप्रियता, ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलैरिटी. आप पॉपुलर होंगे तभी आपको लोग देखेंगे, लोग देखेंगे तो आप पॉपुलर होंगे, पॉपुलर होंगे तो लोगों की वजह से एडवर्टाइजर्स आएंगे, एडवर्टाइजर्स आएंगे आप पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे आप विस्तार करेंगे. यही मॉडल है ना. प्रॉब्लम यह हो गई कि लोकप्रियता चेस करते करते द कैजुअलिटी बिकेम द ट्रूथ. अब आपका पूरा फोकस लोकप्रिय हो जाना है, और इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि जरूरी नहीं है कि वो हर लोकप्रिय बात जो है वो सच हो. आप सच बोल रहे हैं, सच कहीं ना कहीं लोकप्रिय हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. इट्स अ रिस्क दैट यू हैव टू टेक, और यही बेसिक्स हैं जर्नलिज्म के. जरूरी नहीं है कि आप हर समय लोकप्रिय बात करें, और इसी वजह से बहुत सारे न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस, जहां पर मेरा तजुर्बा है, ये दिस इज माय ओन अंडरस्टैंडिंग, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो,
आई कैन बी चैलेंज्ड ऑन दीज फैक्ट्स ऑल्सो. मेरा यह मानना था कि उस लोकप्रियता के पीछे सच एक कैजुअल्टी बनी, और जब वो कैजुअल्टी बनी तो बहुत सारे ऐसे मेरे पत्रकार मित्र हैं, बहुत सारे साथी हैं जो कि फील्ड में साथ में मिले हैं, वो ये चीज जानेंगे कि जो ट्रू स्पिरिट में जर्नलिज्म करना चाहते हैं उनको एक दिल से एक आवाज आ जाती है, आज मजा नहीं आया, आज अच्छी नींद नहीं आ रही है. दिस हैज नथिंग टू डू विद योर इज्जत वर्सेस ईएमआई बैटल जो हम लोग लड़ते हैं ना अपनी नौकरियों में. और क्या है कि आज नौकरी के लिए चलो ये भी सह लें, वो भी सह लें, इस इकोसिस्टम की वो भी बात कर लें. इकोसिस्टम्स आपको क्या देते हैं? इकोसिस्टम्स आपको एक सेट व्यूअरशिप दे देते हैं, उसके लिए फिर आप उनके जैसी बात बोलने लगते हैं, और जितनी बार आप ऐसे करेंगे उतनी बार आप दूर जा रहे हैं. आप आजाद हैं, अगर आप जेन्युइनली उसमें विश्वास करते हैं तो आप आजाद हैं, आप करिए. हमने ये जो नया मीडिया स्टार्टअप शुरू किया है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मंत्रा के साथ ये शुरू किया है, और वो मंत्रा है बात जो सही हो लोकप्रिय नहीं. Say what is right and not what is popular. अब जाहिर सी बात है एक सवाल उठेगा, और ये उठ भी रहा था जब हम शुरू कर रहे थे, चलें हीरो बनने, सच बात बोलेंगे, सुनेगा कौन? कौन सा एडवर्टाइजर पैसा लगाएगा? कोई देखेगा ही नहीं, सच कोई सुनना नहीं चाहता. सो माई पॉइंट इज इन एवरी, और ये मेरा 21-22 साल का जो तजुर्बा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं. और मैं क्यों कहता हूं कि अब ये एकदम स्वर्णिम काल है, भयंकर लिबरलाइजेशन है जर्नलिज्म के मीडियम में, और आप कर सकते हैं. जब बहुत सारे जर्नलिस्ट और मीडिया हाउसेस इन इकोसिस्टम ड्रिवन कैचमेंट एरियाज को कैप्चर करने में लग गए, ये पॉलिटिकल हो सकते हैं, इकोनॉमिक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो आपने अपनी ऑडियंस को रिड्यूस किया. आप में से कितने लोग हैं जो कि ऐसे लोगों से मिले हैं जो ये कहते हैं हमने तो न्यूज देखना ही छोड़ दिया? थैंक यू सर, यू प्रूव माय पॉइंट. ये वो लोग हैं जो कि ओपिनियनेटेड हैं, ये मरे नहीं हैं, इनका भी एक मत है. लेकिन जब 100 लोगों के ऑडियंस में होता क्या है ना कि लोग कुछ शोर ज्यादा मचाते हैं, तो दो तरीके के लोग शोर मचा रहे हैं, उसमें 98 लोग चुपचाप बैठे हुए हैं. ये वो चुपचाप लोग हैं जो कि सच सुनना चाहते हैं भले ही वो लोकप्रिय हो या ना हो, और क्योंकि ये किसी इकोसिस्टम में नहीं आते तो इनको नजरअंदाज कर दिया जाता है. आप इकोसिस्टम की तरफ चले गए क्योंकि आपको ये लग रहा है यहां से मुझे लोकप्रियता मिल जाएगी. और इस साइलेंट मेजोरिटी का क्या? ये साइलेंट मेजोरिटी कहां जाएगी? मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं, हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है द रेड माइक में 3.5 महीने में, एंड आई डोंट बोस्ट ऑफ, आपने यहां नोटिस किया होगा मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी संस्थान का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है. आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू द बिग मीडिया हाउसेज ऑफ दिस कंट्री फॉर द वे दे हैव बिहेव देमसेल्व्स, दैट दे हैव क्रिएटेड एन एंटरप्रेन्योर आउट ऑफ अ पर्सन हु वुड हैव नेवर थॉट ऑफ डूइंग दिस. हम इतने महफूज महसूस कर रहे थे अपने आप को. आई वॉज सो एंसकॉन्स्ड इन द कंफर्ट ऑफ अ जॉब. घबराहट होती है ना कि हम एंटरप्रेन्योर कैसे बने, वो कैसे कर लें, ये हम तो वी आर जर्नलिस्ट, हाउ कैन वी बी एंटरप्रेन्योर्स. थैंक यू टू दीज मीडिया हाउसेज दैट नाउ दे आर क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक्स टू टेक्नोलॉजी अब हम कर सकते हैं. और ये जो साइलेंट मेजोरिटी है इसका जो सबसे बड़ा प्रूफ है, यू नो, लिविंग शाइनिंग एग्जाम्पल, वो है द रेड माइक, where we say what is right and not what is popular, that in 3.5 months, I have an audience base, a subscription base of 5.5 lakh, five, Bhagwan ne chaha, 1 million bhi ho jayega, 5 lakh subscribers and millions of views. Aur ye koi kisi ecosystem ke log nahi hai, kyunki main dekhta hoon usme bahut sare comments, jab aap padhenge to aapko pata chal jayega ki kaun kahan se aa raha hai. और अगर आ भी रहा है, अगर किसी कैचमेंट एरिया से आ भी रहा है, तो क्योंकि आप सच बोलेंगे तो उनको निराशा भी होगी, लेकिन धीरे धीरे करते 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 आप उस साइलेंट मेजॉरिटी को अट्रैक्ट करेंगे एक बार फिर से, जो किसी ना किसी कारण की वजह से मजबूर हो गई थी ये बोलने के लिए कि मैं तो न्यूज ही नहीं देखता, या मैं न्यूज ही नहीं देखती, या मैं तो कुछ और ही देखता हूं या देखती. ऐसा नहीं है कि इन लोगों को भूख नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये लोग बेरोजगारी की खबर नहीं सुनना चाहते. इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म में बेरोजगारी सीरीज चलती है जिसके लाखों व्यूज होते हैं. प्रॉब्लम ये है कि न्यूज रूम्स में जब ये बोलना शुरू कर दिया जाता है कि ये तो बोरिंग सब्जेक्ट है, कोई देखेगा नहीं,
दरअसल खबर बोरिंग नहीं है, आपका बताने का तरीका बोरिंग है, आपका बात करने का तरीका बोरिंग है, क्योंकि आप लोकप्रियता के पीछे भाग रहे हैं, आपके इकोसिस्टम्स उसको अप्रिशिएट नहीं करते, तो आपको लगता है यही जनता है, ये जनता नहीं है। और मेरा ये कहना है, एन अपील टू ऑल दोज एडवर्टाइजर्स हु मे बी हियर, ऑल दोज पीपल हु जो सोच रहे हैं कि टेलीविजन पर जो डिबेट्स होती थी ना पहले, आज वो उस तरीके का तेज क्यों नहीं है उसमें, उस तरीके के व्यूज क्यों नहीं है, क्योंकि हर फॉर्मूले का एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है, हर फॉर्मूला एक टाइम तक चलता है और जब आप उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर देंगे खत्म हो जाएगा। आज अगर आपको एक अच्छा एडवर्टाइजर अगर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है तो वो इसी में है, और ये एक ऐसी अमर चीज है जो कि कभी नहीं जा सकती, बिकॉज जब जब लोकप्रियता की होड़ होगी तब तब सच के लिए एक अंदर से एक जज्बात जगेंगे लोगों की, सच तो जाने कि क्या हो रहा है। तो समय अब है, द टाइम इज नाउ, इस स्वर्णिम काल में कैच पीपल लाइक अस, कैच मेनी हु आर लाइक मी वेरी अर्ली ऑन, वी आर अवेलेबल, हम आपके सामने उपलब्ध हैं, इन्वेस्ट इन पीपल हु से व्हाट इज राइट and not what is popular. Thank you very much. Thank you so much. Great resources, Ali, please. Can I request you to kindly wait? We have the token of appreciation. Sure. May I please request Mr. Rajiv Bhandari from AstroSaga Astrology Portal to kindly come up on stage and give away the token of appreciation to sir. Please, okay, resources, Ali, this is indeed the moment for you. Thank you.